नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात नीट के टॉपर कांड की। जी हां, मध्य प्रदेश से राजस्थान और पूरे देश में नीट के रिजल्ट पर बवाल मचा हुआ है। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है तो नेट में क्यों नहीं होगा? ओएमआर सीट की चेकिंग में भी ना जाने लाखों बच्चों के गलती है। हमें जस्टिस चाहिए, हमारी जितनी मार्कशीट उठने तो दो कम से कम। नीट में ग्रेस अंक विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में रिजल्ट को वापस लेने और दोबारा से एग्जाम कराने की मांग की गई है। कहा गया है कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA का मनमाना फैसला है। छात्रों को 718 या 719 मार्क्स देने का कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है। उधर एग्जाम में गड़बड़ी की नई शिकायतें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अंजलि नाम के एक छात्रा की नीट, UG और 12वीं बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट शेयर की है। इसके मुताबिक 12वीं में फेल हुई छात्रा को नीट में 705 मार्क्स मिले हैं। भोपाल की एक छात्र का कहना है कि इसके स्कोर कार्ड में 340 नंबर है, जबकि आंसर की मिलाने पर उसे 617 नंबर मिलने चाहिए। परीक्षा पर सवाल, रिजल्ट पर बवाल। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है। एक परीक्षा सेंटर कैसे निकले 6 टॉपर? हमारे जितने मार्क्स आ रहे थे हमें उतने ही मार्क्स चाहिए या फिर रीनीट चाहिए, री रिजल्ट या रीनीट। कम मार्क्स वाले बच्चे भी, जो बच्चे के 550 नंबर आ रहे थे उसके रिजल्ट आते आते 450 रह गए। ओएमआर सीट की चेकिंग में भी ना जाने लाखों बच्चों के में गलती हुई। ग्रेस मार्क्स का आधार क्या है नंबर का प्रावधान? ग्रेस नंबर का पूरा जो पूरा मसला है, सडनली ग्रेस नंबर दे दिया, स्कीम पहली बार बताया नहीं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं। नीट की लड़ाई अदालत तक आई। अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। नीट का टॉपर कार्ड, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है, 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का बवाल जारी है। अब लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टे लगाने से मना कर दिया, लेकिन सवाल 24 लाख छात्रों के भविष्य का है। नीट के टॉपर कांड ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी पर। नीट को लेकर चल रहे बवाल पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज की चर्चा होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल क्या है उन सवालों पर डालते हैं नजर। नीट में 67 छात्र कैसे टॉपर बन गए, ये रहेगा पहला महत्वपूर्ण सवाल। 720 में से 718 या 719 नंबर आना कैसे संभव हो गया? 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि NTA ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि चुनावी नतीजों की आपाधापी में ऐसा ना हो कि कोई विवाद खड़ा हो और चुनाव के नतीजों पर हर कोई बात कर रहा होगा तो रिजल्ट के में बात नहीं हो पाएगी, क्या इसलिए ऐसा किया गया? ये हैं 3 महत्वपूर्ण सवाल। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़ा हुआ है आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ एडवोकेट भारती यादव जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी स्वागत है आपका। भारती जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए, जरा आप हमें उसको समझाइए कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जो टिप्पणी की है वो कितनी सख्त है या कितनी महत्वपूर्ण है? कोर्ट के द्वारा कहा गया है पेपर जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने धांधली की है, NTA द्वारा जो किया गया है,
उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए और जिन जिन बच्चों को 720 नंबर मिले हैं उनकी किस आधार पर ग्रेस नंबर उनको दिए गए हैं और ग्रेस नंबर कितने कितने और किस बच्चों को दिए गए हैं, उन सब की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगी गई है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन हाँ तो काउंसलिंग पर रोक क्योंकि आगे तो कार्रवाई जारी रखना है ना, इससे बच्चों का भविष्य तो और समय भी निकला जा रहा है, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं उनके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, जिसके पास पैसा है और जिन्होंने अपने एनटीए से मिलकर के जो काम किया है वही बच्चों का, उन्हीं का केवल इस सूची में आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अन्य जो बच्चों ने मेहनत की है उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। भारती जी, 2018 के एक फैसले का को आधार बनाते हुए एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ये एनटीए की ओर से कहा गया है, 2018 का वो फैसला क्या था जरा आप बता सकती हैं हमें? वो उसका क्लेट में दिया गया था, लेकिन एनटीए को बिना सूचना के और इतनी जगह पर कैसे उनका पेपर समय पर नहीं पहुंचा और क्या हुआ, इसमें संस्था के जहां पे सेंटर बनाए गए थे वहां की गलती थी, ना कि स्टूडेंट को आपने मनमर्जी से वहां बैठा दिया, आपके मनोनीत जिनको किया गया था वहां बैठाया और उनको आपने ग्रेस का बहाना करके उनके नंबर बढ़ा दिए। ठीक है विवेक त्रिपाठी जी, पूरे मामले को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको मामले की गंभीरता को समझना होगा। देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट में जब इस तरीके की धांधली होती है जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से चंद हज़ार बच्चे ही पास हो पाते हैं, जो असफल होते हैं जीवन भर उनके मन में ये टीस रहेगी कि हमने पैसा खर्च किया होता तो शायद हम भी पास हो जाते। जिन लोगों ने मेहनत करके नीट की परीक्षा क्रैक की उनके ऊपर जीवन भर प्रश्न चिन्ह रहेगा कि शायद ये पैसे दे के पास हुए। भाजपा सरकार में जिस तरीके से देश में शिक्षा की मंडियाँ खुल गई हैं, पैसा दे के इस तरीके से खरीद फरोख्त की जा, एग्जाम के पेपर सेट किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही, ग्रेस के माध्यम से आपने कई ऐसे लोगों को पास कर दिया जो 12वीं तक पास नहीं हो पा रहे थे परंतु नीट के टॉपर हैं। इसी तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में भी व्यापम द्वारा निरंतर पहले भी की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कई मेधावी छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया गया। तो देश में आज जब सड़कों पर छात्र उतर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है तो जिम्मेदार एजेंसियां क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं हम जांच कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिनने गलती की है, एनटीए ने गलती की हो वही जांच कर रही है। मतलब आप खुद ही को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा षड्यंत्र था, 10 दिन पहले आपने परिणामों को घोषित किया ताकि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और सभी लोगों की निगाह चुनाव के नतीजे पे हो तो आप चुपचाप अपनी गलती पे पर्दा डाल लें। इस पूरे घोटाले में लाखों बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया, तो निश्चित ही इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो बच्चों का मंतव्य है, जो बच्चों की इच्छा है, उस छात्रों के अनुरूप उसका निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं माननीय न्यायालय में अगर कोई टेक्निकल पॉइंट्स रखने में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से छात्रों की जो मांग थी हम उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या मैं ये कहूं कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है वो छात्रों की मंशा के अनुरूप नहीं आया है, तो निश्चित ही हम इसमें आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। माननीय न्यायालय की शरण में पुनः जाएंगे और जो पॉइंट अगर तकनीकी रूप से हम नहीं रख पाए हैं उनको रखेंगे। हम जिस तरीके से छात्रों का भविष्य चौपट करने पर भाजपा सरकार तुली हुई है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, यहाँ शिक्षा की दुकानें खोल दी गई हैं जिसमें डिग्री बिक रही है, जिसमें नौकरियां बिक रही है, तो भाजपा के जिम्मेदार मंत्री और पदाधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस तरीके से इतनी प्रतिष्ठित चर्चा में जुड़ चुके हैं वो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता हैं जो कोचिंग चलाते हैं, इनके इंस्टीट्यूट में तमाम ऐसे बच्चे आते हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है शिवम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, सुना होगा आपने विवेक जी को अभी कि बीजेपी सरकार तुली हुई है छात्रों का भविष्य बर्बाद करने में, ऐसे में जो नीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं एनटीए खासतौर पर जो सवालों के घेरे में है, बीजेपी किस तरह से देख रही है, स्टैंड क्या है बीजेपी का? देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्टता के साथ मानना है कि छात्रों के भविष्य के लिए जो भी हितकर कदम होंगे वो लगातार हमारी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। नीट में अकेले हम पहले इनके शासनकाल में सीटों की ही बात कर ले, पर्याप्त सीटें ही नहीं हुआ करती थी, छात्र अगर परीक्षा दे भी ले तो उनका चयन नहीं हो पाता था क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के पास पर्याप्त सीटें नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चीजों को दुरुस्त किया और आज देश में पर्याप्त संख्या में नीट की सीटें हैं, लगातार एडमिशन हो रहे हैं।
अगर उसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि जैसी आशंका सामने आती है तो स्वाभाविक तौर पर हमने सरकार के नाते उसमें निष्पक्षता के साथ जांच कराने की बात कही और आगे भी हमारी पूरी प्रतिबद्धता रहेगी कि इसमें किसी भी स्तर की अगर कहीं पर कोई डिफॉल्ट है, गड़बड़ी है, तो उसको सामने लाया जाए और उस पर निष्पक्षता के साथ विवेचना की जा सके। और कोर्ट का, कांग्रेस कोर्ट में भी गई लेकिन कोर्ट ने भी आज स्पष्ट कर दिया पूरी तरीके से कि नीट में इनका जो पूरा एक षड्यंत्र प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा था उसको बेनकाब करने का काम कोर्ट ने किया है। स्वाभाविक तौर पर इस देश में कोई भी राजनीतिक दल हो कोर्ट से ऊपर नहीं है, हम सभी को न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जिन भी छात्रों को इसके बारे में थोड़ी भी शंका शुभा है उसका निराकरण हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर अमित गुप्ता, क्योंकि आप इस समस्या को बहुत करीबी से नजर बनाकर रखे हुए होंगे और आज जो कोर्ट ने कहा उस टिप्पणी को भी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा किस तरह से कोर्ट का कमेंट आया इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जरा आप हमें बताएं कि इस पूरे मामले में आप किसे सबसे पहले कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और क्यों? देखिए मैं इस विषय को राजनीति से जोड़कर नहीं देखूंगा क्योंकि राजनीति में सरकारें तो आती जाती बदलती रहती है, बट मेन जो मुझे दोषी लगता है वो एनटीए, एनटीए का जो प्रशासन है वो प्रशासन को खुद से सोचना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हुई है ओएमआर सीट की जांच गलत हुई है, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो मार्क्स किस आधार पर दिए गए हैं, और अगर आपको ग्रेस मार्क्स देना था तो उसका पहले से एग्जाम से पहले आपको उसका स्पष्टीकरण देना था। मैं 13 साल से नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैंने आज तक कभी नीट के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स नहीं सुने। तो मैं इसमें अगर कटघरे की बात करें तो एनटीए को साफ साफ तौर पर दोषी ठहराता हूं और एनटीए को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं है, ये भी एक बड़ी सोचने की बात है। और एक और बात मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि एक साथ 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर कैसे लेके आ सकते हैं, अपने आप में एक सोचने की बात है। उसमें से भी 6 बच्चे सिर्फ एक ही सेंटर से आए, इंडिया में लगभग 4,500 सेंटर थे उसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर से कैसे आ सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया टॉपर एक सेंटर से 6 बच्चे, और उन 6 बच्चों के भी फॉर्म नंबर एक जैसे थे, मतलब एक सीक्वेंस में भरे गए फॉर्म थे, ऐसा लगता है किसी एक व्यक्ति ने 6 फॉर्म लगातार भरे थे और वो सारे के सारे 6 फॉर्म जो फिल किए थे वो सारे के सारे बच्चे सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुए, उनको सेंटर भी एक जैसा मिल गया और वो पूरे ऑल इंडिया में टॉप कर गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज कहीं ना कहीं करप्शन को दिखाती है या कुछ ना कुछ सेटिंग तो इसमें है, तो इस पर बहुत गहराई में जांच होनी चाहिए और इसको सुप्रीम कोर्ट से मेरा तो निवेदन है कि इस पर प्लीज एक बार रिव्यू करें। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगेगा, और हम लोग काउंसलिंग पर स्टे इसलिए लगवाना चाहते हैं ताकि इस चीज की निष्पक्षता जारी रहे, ना कि ऐसा हो कि काउंसलिंग होने के बाद बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाए और एनटीए को एक चांस मिल जाए कि अब तो बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया तो हम इसको है ना वापस है ना रद्द नहीं कर सकते या रीचेक नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इस चीज का मना कर रहे हैं कि है ना काउंसलिंग पे स्टे लगना चाहिए। ठीक है राजकुमार सूर्यवंशी जी भी जुड़ रहे हैं, एक अभिभावक है वो। राजकुमार जी, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, जिन्होंने गलत किया होगा या जैसे भी उनके मार्क्स पड़े होंगे या जो भी है, लेकिन कई बड़ी संख्या उन बच्चों की भी होगी जिन्होंने साल साल भर मेहनत की होगी, दिन रात पढ़ाई की होगी, उनके परिवार ने उनके साथ मेहनत की होगी और आज उनकी काउंसलिंग को फिलहाल कोर्ट ने नहीं रोका है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर डर उनके मन में भी होगा। जो ये पूरा विवाद है, बीइंग अ पेरेंट, आप किस तरह देख रहे हैं उसे? बहुत भविष्य का अंधकार है, एनटीए का बहुत बड़ा करप्शन है ये, क्योंकि मेरी बच्ची काफी अच्छे मार्क्स लेके आ रही थी और पूरी उम्मीद थी कि इसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि साल भर काफी नीट मेंटर कोचिंग में डॉक्टर अमित गुप्ता सर की कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाया गया, ऐसा नहीं है, और रिजल्ट भी एग्जाम दे के बहुत खुशी खुशी निकली थी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसके बाद उसकी हालत बहुत बेकार रही क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल परे था। अगर वो भी कह रही थी पापा अगर ये जो ग्रेस मार्क मिले हैं, ऐसे हमको पेपर लेट मिला था 15-20 मिनट, अगर हमको मालूम होता अगर ऐसे अगर ग्रेस मिल रहे हैं तो आप हम भी केस करके ग्रेस मार्क ले सकते थे और शायद हमको भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है या इतने ग्रेस मार्क से नंबर और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये करप्शन तो बहुत बड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है ये, ये कोई राजनीति पहलू वाला नहीं है, सब बच्चों के भविष्य बहुत अंधकार में है और बच्चों के साथ साथ जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनको भी बहुत वो, जैसे डॉक्टर अमित गुप्ता सर काफी सालों से पढ़ा रहे हैं और मैं तो खैर एक वर्ष से जान रहा हूँ उनको कि मेरी बच्ची पढ़ रही थी, लेकिन वो जिस ढंग से पढ़ाया उन्होंने बच्चों के टेस्ट लिए तो मतलब बहुत हमको भी लगा और हमारी बच्ची ने भी अच्छी मेहनत करी, ऐसा नहीं और भी बच्चों ने मेहनत करी नीट मेंटोर के, लेकिन सबके यही आलम वो सब निराशाजनक स्थिति में है, लेकिन एनटीए करप्शन उजागर होना चाहिए और हो सके तो वापिस एग्जाम हो उसके या फिर देश में ऐसी धांधली ना हो
माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसको करें, पूरा क्लियर करें या सुप्रीम कोर्ट क्लियर करें, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहिष्कार नहीं होना चाहिए देश के अंदर। अगर इसी फील्ड में हो जाएगा अगर MBBS के अंदर, तो आगे और क्या होगा, मतलब बच्चे और किसकी तैयारी करें आगे जाके। तो ये बहुत आधार बनाया गया है ग्रेस मार्क्स देने के लिए, तो क्योंकि आपकी बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। राजकुमार जी, सुसाइड पे तो हम मजबूर कर रहे हैं बच्चों को। आपकी बिटिया एग्जाम में अपियर हुई है क्योंकि, तो किस तरह की देरी होती है, वो क्वेश्चन पेपर मिलने में देरी होती है, क्या देरी होती है जो ग्रेस मार्क्स आधार बनाए गए हैं? मैडम उसको कॉपियां दी गई, मतलब टाइम तो हो ही जाता है, इन लोगों जो भी टीचर वहाँ के जो भी स्कूल के अंदर रहे, जहाँ भी एग्जाम सेंटर था, तो 15-20 मिनट तो लेट सभी का हुआ था लगभग। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, 15-20 मिनट केस करके हम अगर ग्रेस मार्क मिले तो फिर तो कैसे क्या काम चला, अगर इसी में ऐसा हो जाएगा तो सभी अभिभावक केस कर देते। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आप बेहतर समझा पाएंगे इस देरी के बारे में। सभी न्याय होना चाहिए। और जो एक मामला ये भी सामने आया है कि मार्क्स मिले हैं 500, लेकिन जब छात्र ने अपनी आंसर शीट को मैच किया, आंसर की को मैच किया, तो उसके मार्क्स कहीं ज्यादा मिल रहे हैं जो मार्क्स उसे दिए गए हैं, जरा वो भी एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। बिल्कुल, मामला कुछ ऐसा है टाइम लॉस्ट का कि जी, दरअसल मामला कुछ ऐसा है टाइम लॉस्ट का कि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो नीट का एग्जाम एक बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला एग्जाम होता है, जिसमें आज से 4-5 साल पहले कई बार ऐसी खबरें आई थी कि ना पेपर लीक हो गया, तब से सरकार ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, तो बहुत खतरनाक चेकिंग होती है, और उस चेकिंग की वजह से बच्चे के 10-5 मिनट एक्स्ट्रा मिस्ड हो जाते हैं, साथ में उसकी वीडियोग्राफी भी होती है, उसे 3-4 बार साइन भी कराया जाता है, उसे थंब भी लगवाया जाता है, कई बार तो बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं जब उनको पास से कोई कैमरा लेके जाता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम फोबिया एक सभी बच्चों को होता है, तो इस चक्कर में कई सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं और कई सारे बच्चे का टाइम इस चक्कर में वेस्ट होता ही है। और इसके अलावा कुछ सेंटर्स में ऐसा समझ में आया है, मतलब कुछ सेंटर मेरे ख्याल से 30-40% सेंटर होंगे इंडिया के जिनमें कहीं कहीं पे पेपर लेट मिला है, कहीं पे 5 मिनट, कहीं पे 10 मिनट, कहीं 15 मिनट। अब 5-10 मिनट को तो कोई देखता ही नहीं है, तो इस वजह से उन बच्चों को टाइम लॉस्ट हुआ है। उनमें से जिन बच्चों ने केस कर दिया था उनको है ना मार्क्स मिल गए टाइम के बेस पर, और ये बात पता होती तो सारे बच्चे केस कर देते, तो उनको भी मार्क्स मिल जाते। ये इशू यहां से स्टार्ट हुआ इस चीज का जी। और दूसरा जो सवाल आप उसे पूछ रहे हैं कि OMR सीट में जो गड़बड़ी का बता रहे हैं, तो उसका मामला कुछ यूं है कि कई सारे ऐसे बच्चे समझ में आए हैं जिनके मार्क्स उन्होंने मैच किए थे क्वेश्चन पेपर से तो कुछ और थे, पर जब रिजल्ट आया तो कुछ और निकला, तो NTA से जब ओरिजिनल OMR सीट ली गई, साथ में NTA की ही ओरिजिनल आंसर की से मैच किया गया, तो भी उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं बट रिजल्ट में कम आ रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत पेचीदा मामला है कि उनके ही अकॉर्डिंग आने चाहिए फिर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चे। सवाल आपसे मैं यहाँ पर ये लेना चाहती हूँ कि आपके अपने स्तर पर क्या किया गया है, क्या आप भी कोर्ट जाने का सोच रहे हैं, प्रदर्शन किया गया है, क्या किया गया आपके स्तर पर? बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, ताकि क्योंकि मेरे पास कई सारी दूसरी कोचिंगों के बच्चे और आसपास के बच्चे जो मुझे YouTube वगैरह से जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर कोई मतलब YouTube पे तो दुनिया बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन YouTube के अलावा ऑफलाइन जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक सरकार और NTA को ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब चीजें मामले दब जाएंगे। NTA सोच रहा है कि ये मामला दब जाएगा, इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस ये है कि ये रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन अचानक से 10 दिन पहले, जबकि जनरली रिजल्ट 5-7 दिन लेट आता है, लेकिन 10 दिन पहले अचानक से 14 जून से 4 जून को आ गया। उस दिन हमारे उस शो में ये बात कही जी, शिवम दब जाए। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आज आपने प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने एक छात्रा जिसकी बात कही थी उसकी OMR सीट के साथ गड़बड़ी की गई है, उसके फुल नंबर ज्यादा आने चाहिए हो जैसा परीक्षा देकर के आई है, जबकि आज उसका जो NTA ने जस्टिफिकेशन दिया है, क्लेरिफिकेशन NTA का है, उसी छात्रा ने 2020 में कोविड के टाइम पे कहा था कि हमने कोविड की वैक्सीन ढूंढ ली है, तो यह तो सरासर पब्लिसिटी पाने का एक जरिया है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के तत्वों को एक टूल के रूप में यूज कर रही है, नीट जैसी प्रतिष्ठित एक जो परीक्षा है जिसके माध्यम से पूरे देश में जो मेडिकल में धांधली और गड़बड़ी की जाती थी
उस पर हमने एक व्यापक स्तर का नियंत्रण स्थापित किया। आज पहली बार नीट के विषय में अगर इस प्रकार का प्रश्न आया है, हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि जो भी छात्र इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कोई डाउटफुलनेस न रहे। कांग्रेस पार्टी का तो कर्तव्य ही है लगातार इस प्रकार से विप्लव और लोगों के मन में एक प्रकार से डाउट की स्थिति को उत्पन्न करना। ईवीएम के बारे में आरोप लगाएंगे, नीट के बारे में आरोप लगाएंगे। अरे भैया, चर्चा को फिर से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं जी, चर्चा को फिर से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार में निरंतर घोटाले क्यों हो रहे हैं शिवम जी, उस पर जवाब दीजिए। नेत्री ने ये ट्वीट किया, ये जवाब दीजिए। ये लड़की, ये पहले आपने इससे पहले जो घोटाले हुए उस पे आज तक आपकी जांच ही चल रही है, उस पे क्या परिणाम आया, क्या निष्कर्ष पे निकले और कितने दोषियों को कार्यवाही की है ये भी तो बताइए। सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा शिवम विवेक जी, राजनीति का विषय हम इसको बनाना भी नहीं चाहते। जो अभिभावक है ना वही डरता है अपने बच्चों को लेकर कि मार्क्स कम आते हैं तो बच्चे हताश होते हैं। हम देख रहे कितने किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, बच्चे जान दे रहे हैं अपने, इतनी छोटी सी उम्र में एक परीक्षा में नाकामी मिल रही है, बच्चे जान दे, तो प्लीज पॉलिटिक्स मत ना कीजिए। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं रात और दिन करके, हम जानते हैं कितनी मुश्किल फीस भर के उनको डेली लाना ले जाना करके कैसे कैसे बच्चों साल निकालते हैं। बच्चे भी बराबर रिजल्ट दे रहे हैं और साथ में कोचिंग वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, जैसे डॉक्टर हमारे नीट मेंटर के डॉक्टर हर कोई मेहनत कर रहा है। यहाँ पर जाहिर तौर पे बात है, ठीक है, एम्स के डॉक्टर होने के बावजूद उनके क्या सपने हैं जी, एम्स के डॉक्टर होने के बावजूद क्या सपने हैं बच्चों को इतना की सर्विस के बाद टाइम देते हैं कि मतलब हर कोई इतना नहीं सोच सकता है। 25 से 30 बच्चे निकल रहे हैं फिर भी इतने संतुष्ट नहीं बच्चे, ये कांड होने के बाद बहुत निराशाजनक स्थिति है। तो मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा अन्याय ना हो और इतनी माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ठीक है, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं विवेक जी। जी पंडित जी, बात रखिए अपनी। देखिए निश्चित ही अपर्णा जी, इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में जब इस तरीके की धांधली होती है तो छात्रों का तो मनोबल टूटता है ना। सरकार तो कह रही है ना, सरकार तो कह रही है कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। सरकार तो इससे पहले भी कह चुकी है अपर्णा जी, इससे पहले भी जब धांधली पकड़ी गई थी मध्य प्रदेश में, आपने कितनी बार इस तरीके की धांधली देखी, तब भी तो सरकार ने देखा था, तब सरकार ने क्या किया। देखिए अपर्णा जी, बार बार ये धांधली जो हो रही है, आप कह देते हैं जांच कर रहे हैं, सभी साथ बोलेंगे ना कोई समझ नहीं आएगा, ठीक है। शिवम जी, विवेक जी, आप शांत हो जाइए। भारती यादव जी एडवोकेट है, वो कुछ बोलना चाहते हैं जी। भारती यादव जी, नहीं बच्चा हुआ है से ये इनको बताना होगा कि पूर्व की जांचों में इन्हें कितने दोषियों के ऊपर कार्रवाई कर दी, ऐसी धांधली बार बार की जांच की बात बाद में करेंगे जी। भारती जी, पूर्व के केस चल रहे हैं, भाजपा सरकार क्या कर रही है, छात्रों की शिक्षा प्रणाली को आपने मंडी बना के रख दिया, डिग्री आप बेच रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पैसे लेके बच्चों को पास कर रहे हैं, वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, जो जैसे कैसे जैसे कैसे कहीं ना कानूनी पक्ष रख लीजिए, बीजेपी कांग्रेस का पक्ष रख लीजिए, प्रवक्ता है ही यहाँ पर, ठीक है। देखिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हर कोई यही चाह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल है तो जाहिर तौर पर एनटीए को जवाब देना होगा। नजर सभी की सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और खबरों के लिए आप देख रही है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।